हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल नन्ही सिंह में फिर से स्वागत है। बहुत दिन हो गए हैं, लगभग 11 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। आप लोगों का प्यार और इतना ज़्यादा दुलार देख के मेरे को लगा मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, और वीडियो आप लोगों के लिए ही है, इसीलिए आप लोग इस चैनल में आए हो। अगर आए हो तो वीडियो तक ज़रूर देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आजकल की ज़्यादातर सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो चिल्लाती हैं। दे यूज़ टू लाइक शाउटिंग लाउडली ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल प्रोसेस। तो क्या उनको ये जो चिल्लाना है ये पसंद होता है, या वो चिल्लाती हैं क्योंकि उनकी हैबिट होती है, या वो फेक करती हैं? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आपकी पार्टनर भी आपके बेडरूम में चिल्लाती है और फिर ही आपको पता चलता है कि वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड है और वो चिल्ला भी रही है तो वो प्लेजर फील कर रही हूँ। कभी कभी हमारी प्लेजर फील करवाने का भी एक तरीका होता है फीमेल्स का कि वो चिल्लाती है ताकि उनको ही अच्छा लगे। कभी कभी अपने पार्टनर को वो ये दिखाना चाहती है कि नहीं भाई, तुम सही तरीके से कर रहे हो और उनको सेटिस्फाइड फील करवा रहे हो, इस वजह से वो कभी कभी प्रिटेंड करती हैं। तो एक्चुअल में जान लो कि वो उनको सच में जेन्युइनली मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सेक्सुअल लाइफ में अगर आप चिल्ला रहे हो तो कितना बुरा है वो, कितना सही है वो, सही ही है। लेकिन अगर वो दर्दनाक चीखे या फिर ज़्यादा पेनफुल हो रहा है आपके पार्टनर के, तो आपको वहीं रोक देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो ठीक ठाक ही है, उनको अच्छा ही लग रहा है, वो प्लेजर फील कर रही है, वो अप्रिशिएट कर रही है आपको, तो आप कर सकते हो। बाकी वो एक तरीके से माहौल बन जाता है, एक तरीके से एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक सराउंडिंग बन जाती है, जिसमें एक तरीके से मतलब वो एक पेनफुल या पेनफुल प्लेजर कह लो, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको आपका पार्टनर ऐसा करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करता है तो यू कैन मेक हिम अ हर्ट टू डू लाइक दिस। बाकी के पोर्न देख के अगर आप ये सब कुछ करते हो तो वो अवॉइड करो, क्योंकि वो तो एक ऑटोमेटिकली जोन रहता है। उनका इंजेक्शंस के थ्रू काफ़ी सारे हॉर्मोन्स को वो अपने बॉडी में रिलीज़ करवा देते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी में इतना चिल्लाएँ या वो करें, इतना दर्द सहन करें। एक नॉर्मल आदमी इतना दर्द नहीं कर सकता है। बाकी दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और ऐसे ही कई तरीके की वीडियोस मैं बनाती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।